तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक काफ़ी सिंपल सा एयर कार बनाने वाला है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह की एक बोतल ले लेंगे और इसके पीछे वाले साइड में हम लोग कुछ इस तरह के एक होल बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का होल बनाने के बाद अब हम लोग इस तरह के एक स्ट्रो लेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इस स्ट्रो को हम लोग इस होल के मदद से यहाँ पर डालेंगे और इसे हम लोग को थोड़ा सा तिरछा करके डालना है। और यहाँ पर ये जो एंड होता है यहाँ पर भी हमें एक होल बना लेना है कुछ इस तरह का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से होल बनाने के बाद अब हम लोग का स्ट्रो को लेना है और इसके पीछे से यहाँ पर ये इसको हमें इस तरह से कुछ इस तरह से हमें इसको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग इसके लिए चक्के को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके चक्के को बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरह के प्लास्टिक बोतल के ढक्कनों को ले लिया है। हम लोग इसका चक्का बनाएंगे। तो इसको चक्का को बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें दो ढक्कनों को लेना है और कुछ इस तरह से हमें इनको चिपका देना है। तो फ्रेंड्स इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर रेड टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी मजबूत भी रहेगा। तो इसकी जगह आप नॉर्मल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेविक्विक की मदद से भी आप इसको चिपका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप रेड टेप का इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से चिपका दिया, तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चक्के जैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का मैंने यहाँ पर चार चक्कों को बना लिया है, जैसे कि आपको पता है कार में चार चक्के होते हैं। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद अब हम लोग इस तरह का आइसक्रीम स्टिक को लेंगे। आप इसकी जगह दूसरे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको तीन टुकड़ों में काट लिया है और इसे मैंने कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक और स्ट्रॉ लेंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरह से बीच से काट लेंगे। तो हमें इसकी दो ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दो टुकड़ों को इस तरह से काट लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें करने के, हम लोगों ने जो ये वाला बनाया था हमें इसको इस तरह से चिपका देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों को कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग को क्या काम आएगा, तो ये हम लोग को ये जो बोतल है इसके नीचे हम लोग को कुछ इस तरह से इस जगह पर हमें इसको चिपका देना है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक हमें यहाँ चिपकाना है और एक इसके पीछे चिपकाना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसको मैं इस तरह से चिपका देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा चिपकने के बाद। तो गाइस इसको चिपकाने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ। तो अभी इसके लिए हमें कुछ इस तरह के एक पेन के खाली रिफिल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें इसे ढक्कन में छेद करना पड़ेगा और ये जो पेन का जो रिफिल है हम लोग इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, हम लोगों ने जो ये वाला कार बनाया था उसके पीछे वाले जो पाइप हमने लगाया था उसमें हम लोग इसके ढक्कन और मतलब इसके चक्के को और इसके रिफिल को हम लोग इस जगह से लगाएंगे और दूसरा चक्के को भी हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इस जगह पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स सारे चक्कों को लगाने के बाद हम लोग इसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे चक्कों को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब इसको चलाने के लिए हमें कुछ इस तरह के एक बलून की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बलून को हमें कुछ इस तरह से इस पाइप के आगे वाले पार्ट में हमें इसको चिपका देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरह से रेड टेप की मदद से चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स हमें इसके पीछे से मुँह से हवा भरना है जिससे बलून फूल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक थोड़ा सा ट्रस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शायद आप लोग कार को अच्छी तरह से नहीं दिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा जगह कमी है। तो फ्रेंड्स इसको आप जब छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रुक जा रहा है, तो यहाँ पर आगे दीवार है इसीलिए रुक जा रहा है, आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।